हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एनालिसिस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 मार्च है और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज अच्छे अच्छे न्यूज़ भी हैं तो उसको हम देख लेंगे। और ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। अभी डेली आना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा, तो अगर आपको ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी है, तो इस वक्त हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली समय बीता जा रहा है और चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, एग्ज़ाम आपके आने ही हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन को अभी से बहुत ही फास्ट कर दें, क्योंकि 70 डेज़ आज से बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये जो 70 डेज़ है, बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें जितना ज़्यादा हम स्पीड को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। कोई भी जानकारी है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और मैपिंग वाले सेक्शन से आज हम शुरू करेंगे। ब्लैक सी आपको दिया गया था कल टारगेट में, कि आप ब्लैक सी के सराउंडिंग एरिया के बारे में बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर किया है एंड थैंक यू फॉर दैट। वो देखिए, उसके से आपको पूरा फ़ायदा हो रहा होगा। जो भी लोग आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनको खुद समझ में आ रहा होगा कि उनका फ़ायदा होता है, क्योंकि सिर्फ एक बार इसे देख के पढ़ लेना, उससे बहुत दिन तक आपके दिमाग में चीज़ें नहीं रुकती। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप जाते हैं, ढूंढते हैं, फिर उसको याद रखने की कोशिश करते हैं, फिर जा कर के आप चीज़ों को लिखते हैं, तो उससे जो फैक्ट्स हैं वो आपके दिमाग में रुका रहता है। तो ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर जो लोकेटेड कंट्री है उनका नाम पूछा जाता है। तो कैसे याद रखेंगे आप ब्लैक सी के आसपास के कंट्रीज़ का नाम? यहाँ पे कोई कोड आपको नहीं बता रही हूँ मैं, कोड आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं या आपको ऑल मिल जाएंगे कोड्स। बट प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार सिर्फ कोड ही याद रहता है और जो कंट्री है उसका नाम याद नहीं आता। तो हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से याद करेंगे। आप यहाँ पे 1-2 नंबरिंग करके याद करें इसको। देखिए, ब्लैक सी के पास द सी ऑफ अजोव है, तो ये लोकेशन आप इस तरीके से पिक्चर को अपने दिमाग में बना करके रखेंगे। ब्लैक सी इस तरीके से दिखता है, तो यहाँ पे आपको ये जो सी ऑफ अजोव है, इसका भी लोकेशन क्लियर कट दिखाई देगा। अब जब आप सी ऑफ अजोव देख पाएंगे तो आपको आसानी से रशिया भी दिखाई देगा। तो इधर फर्स्ट नंबर पे आप रशिया लेकर के चले। क्लॉकवाइज आप जाएंगे ब्लैक सी में, कि क्लॉकवाइज कौन कौन सी कंट्री है। तो पहले नंबर पर है रशिया, ठीक है। रशिया के बाद नंबर आता है जॉर्जिया दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर है टर्की। तो रशिया, जॉर्जिया, टर्की और फिर फोर्थ नंबर पर है बुल्गारिया, ठीक है। ये आपको क्लॉकवाइज से याद रखना है और बना भी लेना है, पिक्चर आप कॉपी में ऐसे ही बना लेंगे। एंड आफ्टर दैट बुल्गारिया के बाद है रोमानिया। देखिए इस तरीके से बॉर्डर यहाँ पे टच हो रहा है। माउथ ऑफ डैन्यूब भी यहीं पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डैन्यूब से। तो ये रोमानिया इसके बाद आ गया 5वें नंबर पर, और उसके बाद है यूक्रेन, ठीक है। तो 6 नंबर पर किसका नाम है? यूक्रेन। तो ये 6 कंट्री हैं टोटल इसके चारों तरफ, जिसका नाम याद रखना है। रिवाइज कीजिए क्लॉकवाइज, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन। एंटी क्लॉकवाइज रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, इसके बाद टर्की, एंड टर्की के बाद आता है जॉर्जिया एंड देन रशिया। आई होप कोई कंट्री छूटी नहीं है, अगर छूटा होगा तो आप उसको बताएंगे। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ का नाम आपको याद रखना है। इधर है एजियन सी, और आज के टारगेट में आपको मेडिटेरेनियन सी का दिया गया, जो कि टफेस्ट है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं मेडिटेरेनियन के चारों तरफ, तो उसको याद रखना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। तो मेडिटेरेनियन सी और बाल्टिक सी, इन दोनों की सराउंडिंग कंट्रीज़ का नाम याद रखना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो आज आपको टारगेट पे मेडिटेरेनियन सी दिया गया होगा, आप उसको ट्राई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल, अ डिफरेंट फाइट बैक। और ये आर्टिकल है सी राजा मोहन का, ठीक है। इसको आप पेपर 2 में IR से एसोसिएट कर सकते हैं, इसको आप साइंस टेक्नोलॉजी पेपर 3 में रख सकते हैं। बेसिकली इस आर्टिकल में इन्होंने यही बताया है कि किस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं, अभी कोरोना आउटब्रेक जब से हुआ है, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपने यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वैसे ही इंडिया को भी इस बात से सीखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं एक ब्लू डॉट कंपनी से। ब्लू डॉट कैनेडा बेस्ड एक स्मॉल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है जब से ये वुहान आउटब्रेक हुआ है, वुहान वायरस बोल सकते हैं आप, या वुहान से ये कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा, आज से 3 मंथ्स पहले। और अभी ये पूरे ऑलमोस्ट भारत में, भारत क्या, पूरे विश्व में फैल चुका है। तो इसको काउंटर करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और इसी में एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर है। ब्लू डॉट कंपनी जो है, वो इस पर अपने टेक्नोलॉजीज़ की मदद से काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, कि कैसे लोगों को इससे बचाया जाए, कैसे दूर रखा जाए।
और कई सारे जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने भी इनसे पूछा कि वो अपने यहाँ पर जो कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, उनको आकर के बताएं कि कैसे इस रिस्क से दूर रहा जाए, इन्फेक्शस डिजीज से कैसे दूर रहा जाए। तो इनके बारे में एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, तो जितने वर्ल्ड में अलग अलग पॉलिसी मेकर्स हैं ऑब्वियसली वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा रोल है, और इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कोरोना वायरस का, को ट्रीट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग। अभी आपको याद होगा, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जब से कोरोना वायरस न्यूज़ में आया है, तो चाइना वगैरह में आपने देखा होगा कि एक मशीन होती है और उससे ही पता लग जाता है कि लोगों को फीवर है कि नहीं, कितना लेवल का फीवर है, थर्मल इंडिकेटर से पता चल जा रहा है कि लोगों को वायरस इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो ये चीज़ें कहाँ से पॉसिबल हो पाई हैं, टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाई हैं, और फिर उन लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है। हालांकि ये एक पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है ऑन द अदर हैंड, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज़ का ये क्या क्या बेनिफिट हो सकता है उसको बताने की कोशिश की गई है। सो यूज़ अपॉर्चुनिटी टू डिप्लॉय देयर इमेंस कैपेबिलिटी टू रिजॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो ये जो स्प्रेड हुआ है वायरस, इसको रोकने के कई तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो काफ़ी इसको हेल्पफुल बना सकता है। डूइंग गुड इज़ ऑल्सो अ सेंसिबल बिजनेस प्रपोजिशन एंड एट दिस टाइम। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ही अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से सर्विलांस सिस्टम को अपना रही है, मास सर्विलांस सिस्टम वो लगाए हुए हैं, मशीन का इस्तेमाल करके वो पब्लिक प्लेसेस पर फीवर को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, सेंसिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है वायरस का पता लगाने के लिए। तो चाइना में कई सारे जगह पर इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है वायरस के आउटब्रेक को रोकने के लिए और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन चाइना ऑल्सो डेवलप्ड अ हेल्थ कोड दैट यूजेस डाटा एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई द एक्सेस द रिस्क ऑफ द एवरी इंडिविजुअल। तो इस तरीके के हेल्थ कोड्स भी बनाए गए हैं, अलग 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 जोन डिवाइड किया गया है, जोन वाइज लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिस्ट्री वगैरह का पता लगाया जा रहा है। साथ में लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि कैसे वो पता लगाएंगे कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हैं या फिर उनको आइसोलेट होने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो चाइना के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट साउथ कोरिया की जब हम बात करते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इस डिज़ीज़ को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए। इवन आपको यहाँ पे एग्जांपल इंडिया का तो नहीं दिया, बट इंडिया में भी बहुत हद तक टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, एयरपोर्ट्स पर, बाकी जगह पर यूज़ कर रहे हैं ताकि वायरस को आइडेंटिफाई करके उसको कंटेन किया जा सके। और अब बात करते हैं यूएस की, चाइना की बात हो रही है तो यूएस का आना तो लाजमी है। जिस तरीके से एक समय था कोल्ड वॉर का, जब यूएस और रशिया के बीच में एक होड़ सी मची हुई थी, आगे हम देखेंगे इस पर लिखा गया है आर्टिकल में, वैसे अभी यूएस और चाइना के बीच में एक कंपटीशन है। और कंपटीशन किस चीज़ का है कि कैसे ये जो अभी आउटब्रेक हुआ है उसमें कैसे टेक्नोलॉजीज़ की मदद से कौन पहले इन चीज़ों को रोकता है। खैर, यहाँ पे शुरुआत की गई है आर्टिकल में कि जो दोनों देश हैं, दोनों ही देशों में अभी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, किसके किसके बीच में जो राइट टू प्राइवेसी होती है और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स में कई सारे हैं, गवर्नमेंट हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन जो वायरस है इनका पता लगाने के लिए या फिर लोगों को चेकआउट करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ही पब्लिक लेवल पर, मास लेवल पर चीज़ों को रखा जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी आप डेमोक्रेसी की बात तो नहीं कर सकते, राइट टू प्राइवेसी की बात नहीं कर सकते, तो समहाउ ये चीज़ें भी इन दिनों देखी जा रही हैं। लेकिन वायरस को रोकना बहुत ज़रूरी है, ये ऑब्वियसली लोगों के हेल्प के लिए किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं, जो टेक कंपनीज़ हैं, उनको भी काफ़ी ये प्रेशर डाला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को निकाला जाए इस वायरस को रोकने के लिए। ठीक है, अब आगे बात हो रही है, जब एक समय था जब कोल्ड वॉर का टाइम था, तो अमेरिका रशिया के बीच में स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में होड़ लगी थी, और इस चक्कर में लोग मून तक पहुंचे, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे हर तरीके के। वैसे ही आज अभी रशिया और सॉरी यूएस और चाइना के बीच में होड़ है कि कैसे इन टेक्नोलॉजीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो
कंपनियां हैं वो अपने आप को आगे लेकर के जाएंगी, और ये जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या अभी का तो खैर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वायरस का, उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। ऐसे में इंडिया के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया क्या कर सकता है अपने साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में। ऑब्वियसली इंडिया बहुत आगे है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकता है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट से, और एक अच्छे तरीके से डील करके चीज़ों को, इस चैलेंज को काउंटर करने में मदद कर सकता है वर्ल्ड की। तो यही आर्टिकल था सी राजा मोहन का। अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे आपको तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग इंडिया। देखिए ये आर्टिकल लिखा तो गया है CAA पर, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही किया गया है ऑलमोस्ट, लेकिन ये आर्टिकल लिखा है बान की मून साहब ने। ठीक है, ये 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस रह चुके हैं, तो इनके लिखे गए इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है चीज़ों को। तो बात हो रही है इंडिया की तारीफ से, इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि लीडिंग पावर की तरह है 21st सेंचुरी में इंडिया। इंडिया के पास वो सारी पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है, एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का, और यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस, एकेडमिक, IT, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हर फील्ड में आज इंडिया के टैलेंट को दुनिया देखती है। लेकिन लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो देश जहाँ पर डेमोक्रेसी और अहिंसा की बात होती है, जहाँ पर महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया जाता है, उस देश में आज कम्युनल वायलेंस हो रहा है। उस देश में आज जो डेमोक्रेसी है या फिर सेक्युलरिज्म की भावना है, वो दबती हुई नज़र आ रही है, ये आर्टिकल का कहना है। इनका मानना है कि महात्मा गांधी जी को एग्जाम्पल देते हुए कई सारे और बड़े ग्रेट लीडर्स हुए हैं विश्व में। नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, जिन्होंने गांधी जी को रिकॉग्नाइज किया और उन्हीं के रास्ते पर वो आगे बढ़े, आगे चल करके उनको गांधी प्राइज 2008 में अवार्ड भी किया दिया गया था। तो दूसरे देश जो हैं विश्व के, वो भारत से सीखते हैं कैसे अहिंसा को लाया जाता है समाज में, कैसे डेमोक्रेसी का अधिकार दिया जाता है। लेकिन आज इंडिया में ये सिचुएशन क्यों अराइज हो गई है, तो उसके पीछे अभी जो रीसेंट बदलाव हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, और उसके बाद NPR या NRC का कॉन्सेप्ट है, उससे क्या हुआ कि लोगों का जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी है, वो हैम्पर हो रहा है, और कई सारे लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से कि उनको राइट्स मिलेंगे या नहीं, उनको अधिकार मिलेंगे कि नहीं, उनका नाम सिटीजनशिप में आएगा या नहीं। तो जो आर्टिकल 15 भी है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 15 जो है, यहाँ पे ये कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, सेक्स, रिलीजन, तो वो चीज़ अभी जो है वो काउंटर होती हुई नज़र आ रही है, इनका ये मानना है इस आर्टिकल में। और कुछ जो डेवलपमेंट चेंजेस हुए हैं रिलीजियस बेसिस पर, वो काफ़ी हार्मफुल रहे हैं, और इसके ये जो पूरा वायलेंस हुआ उसके पीछे का कारण वो माना जा सकता है। तो व्हेन द पीपल ऑफ वन ओरिजिन, इनका कहना है कि जब किसी एक रिलीजन के लोग को ये लगता है कि उनको सिटीजनशिप का अधिकार नहीं दिया गया है, जो कि दूसरे लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है, तो हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि इसके पीछे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों को बताए गए हैं, और उसने चीज़ों को काफ़ी कंफ्यूज कर दिया, लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर दिया, और इसके पीछे कुछ और इवेंट्स हुए थे जैसे विजिलेंट पनिशमेंट और लिंचिंग के सारे जो इम्पैक्ट, उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट अब सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा इनटॉलरेंस हो गया है कि वो साथ में नेशनलिस्ट और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ये यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ऐसे शब्दों का आप यूज़ नहीं कर सकते अपने आंसर राइटिंग वगैरह में, बट इनका जो मोटिव है बताने का वो मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने क्या ओवरऑल कहा है। इनका मानना है कि गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसीज़ रही हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकती हैं, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा इंटॉलरेंस और अग्रेशन सोसाइटी में पैदा हुआ, और उसने लोगों को इतना ज़्यादा वायलेंस करने पर मजबूर कर दिया। तो उसमें ये NRC और CAA की ही बात करते हैं, और आगे एक आ गया है कि इन्होंने एक बार विजिट किया था मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली में, और मोहल्ला क्लिनिक का जो कॉन्सेप्ट था इनको काफ़ी पसंद आया था, जहाँ पर एक फ्री यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को वेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। एंड ऑब्वियसली हेल्थ इज़ वेल्थ एज यू नो, तो अगर आप यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ में फ्री एक्सेस देते हैं, तो वो लोगों को इकोनॉमिकली भी काफ़ी हेल्प पहुंचाता है, जो कि इनको काफ़ी पसंद आया है ये कॉन्सेप्ट इंडिया का, खास करके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब न्यूज़ देखते हैं। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो फर्स्ट पेज पर है,
तो आपको बता दें कि आज सुबह मॉर्निंग में जो 16 दिसंबर की वो भयानक गैंग रेप का केस था, उसके अपराधियों को सज़ा मिल चुकी है, फांसी की सज़ा दे दी गई है चार लोगों को। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर, फ्रंट पेज पर ही है, पेज नंबर 1 पर, इकोनॉमी इन्फेक्टेड। कल आप लोगों ने भी सुना होगा स्पीच प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। एक जनता कर्फ्यू का भी जिक्र किया गया है जो संडे को लगाने की अपील की गई है लोगों से ही, और इसमें टास्क फोर्स बनाए जाएंगे। इस टास्क फोर्स का काम ये होगा कि वो कोविड-19 की वजह से होने वाले इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा हुए हैं, उसका पता लगाएंगे। और ये जो टास्क फोर्स है वो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनवाया जाएगा। कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स इसका नाम होगा, ठीक है। इसमें हालांकि अदर मिनिस्ट्रीज के साथ भी कोऑपरेशन किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी वाले पेज पर, विवाद से विश्वास स्कीम। विवाद से विश्वास स्कीम पर हम कई बार बात कर चुके हैं, इसके रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है। इसके रूल्स में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो डिस्प्यूट होगा उसको सेटल करने के लिए लोग, जो लोग विलिंग हैं, 31 मार्च तक का उनको समय दिया गया है। और इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी पर वेबर दिया जाएगा, इंटरेस्ट और पेनल्टीज को माफ़ किया जाएगा, सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है टैक्स का वो लोगों को पे करना होगा। इसमें कुछ एक टैक्स हैं जिसको कि इंक्लूड नहीं किया गया है, डिस्प्यूटेड रिलेटेड ऑन द वेल्थ टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और इक्विलाइजेशन लेवी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद पता होना चाहिए। अगला न्यूज़ है, फाइनेंस कमीशन सेट्स अ पैनल टू रिव्यू फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप। तो 8th मेंबर का एक पैनल बना है, एनके सिंह जो कि फाइनेंस, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके अध्यक्षता में। और ये पैनल रिव्यू करेगी फिस्कल कंसोलिडेशन के रोड मैप को, कि क्या होना चाहिए, कितना फिस्कल कंसोलिडेशन, क्या किस तरीके से ओवरऑल स्टेट कितना खर्चा करे, गवर्नमेंट कितना खर्चा करे, कितना डेफिसिट होना चाहिए, इन सभी का पता लगाने के लिए पैनल बनाया गया है। आइए अब इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। और पहला जो स्टेटमेंट होगा वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से होगा, कल की न्यूज़पेपर में था। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो करप्शन को काउंटर करने के लिए होता है और डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2001 में इसको बनाया गया था। इसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट। यहाँ पे पीएम का ऑप्शन लिखा हो सकता है, यहाँ पर अभी जो रिसेंटली बना हुआ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का CDS वो हो सकता है। तो क्या होगा सही आंसर, डिफेंस मिनिस्टर ही होगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है DAC से ही जुड़ा हुआ, किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। तो जो एक्विजिशन होता है, लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट प्लान होता है, उसकी पॉलिसी मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन पर बेस्ड स्टेटमेंट। इसमें पहला स्टेटमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो आई होप आपको पता होगा। आइए इस पर स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ अ सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय द RBI और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। क्या ये सही है, यहाँ पर ऑप्शन से भी हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। तो अब बताइए OMO के बारे में क्या लिखा गया स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, आपको पता होगा RBI जब आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सेल परचेज के लिए, मार्केट को बैलेंस करने के लिए, तो उसी को OMO बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है RBI कैरीज आउट OMO थ्रू द कॉमर्शियल बैंक एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए सही है कि गलत है, क्या OMO को RBI कॉमर्शियल बैंक की मदद से जारी करती है, डायरेक्टली डील नहीं करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट गिवन है, याद रखिएगा। और आपके लिए सवाल है मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो कंट्री है उसका आप लोग नाम लिखेंगे, अगर आप किसी को कोड पता हो तो कोड भी लिख देंगे ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए, जो इंपॉर्टेंट अच्छे कोड है जिससे कि हम सारी कंट्रीज का नाम याद रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग। PDF के लिए आप लोग बोल रहे हैं, वैसे PDF टेलीग्राम चैनल पर भी होता है, और टुडे आई विल ट्राई कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में यहीं पर PDF प्रोवाइड करूं। सो थैंक यू सो मच।